जय माता दी मित्रों, मित्रों माँ कलका एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट अक्टूबर 2021 तुला लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका तुला लगन है अथवा नहीं, इसके लिए लगन में 7 नंबर लिखा होना जरूरी है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तुला लगन की। तुला लगन एक चर लगन है, वायु तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएँ स्वतंत्र विचारधारा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, साथ ही जीवन में बदलाव को लेकर आगे बढ़ते हैं और घूमने फिरने के ऐसे व्यक्ति जो है शौकीन होते हैं, शुक्र से प्रभावित होते हैं। क्रिएटिव चीज़ों की तरफ जो है इनका ध्यान बहुत अधिक जाता है, लग्जरियस लाइफ की तरफ इनका ध्यान बहुत अधिक जाता है। कह सकते हैं कि संसार के सभी सुखों को भोग करने की चाह ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अधिक पाई जाती है और खुशनुमा जो है ऐसा व्यक्तियों का जो है स्वभाव होता है और काफ़ी लविंग एंड केयरिंग ऐसे व्यक्ति जो है पाए जाते हैं। साथ ही रिलेशनशिप को में ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति जो है रिलेशनशिप को बनाने का जो प्रयास जो है ऐसे व्यक्ति करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्वभाव तुला लग्न के जातकों का अथवा जातिकों का पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर माह की। तो इस माह के अंतर्गत सर्वप्रथम लग्नेश की स्थिति जो कि शुक्र बनते हैं, तो शुक्र 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कन्या, शुक्र 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। लग्नेश का धन भाव द्वितीय भाव के अंतर्गत जाना, मतलब यहाँ पर ये रहेगा इस माह के अंतर्गत आपका ध्यान जो है धन संचय की ओर जाएगा, अर्थात आपका जो मेन फोकस रहेगा वो धन संचय को लेकर, अपने कुटुंब अपने परिवार को लेकर, अपनी वाणी को लेकर आपका प्रयास जो है काफ़ी अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसकी तरफ आपका जो है ज़्यादा ध्यान जो है आपका जाने वाला है। साथ ही लग्न शुक्र के साथ केतु का भी संबंध बना है, जो ये आपको ये भी बताता है कि इस माह के अंतर्गत आपसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, किसी प्रकार की जो है चीज़ों को आप छुपाने का जो है सभी से प्रयास कर सकते हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही यहाँ पर देखिए शुक्र का प्रभाव जो केतु के प्रभाव के कारण थोड़ा पारिवारिक रूप से आप असंतोष की स्थिति में थे, वाणी को लेकर आप थोड़ा असंतोष की स्थिति में हो सकते हैं, धन संचय की स्थिति को लेकर भी आप में थोड़ा सा जो है डिससेटिस्फेक्शन जो कह सकते हैं वो आपके पास आपसे था। तो अब यहाँ पर शुक्र की जो स्थिति रहेगी उसके कारण थोड़ा आराम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि आपका जब ध्यान धन संचय की ओर जाए तो आप धन संचय आसानी से, मतलब उसका करने का प्रयास करें तो धन संचित होना थोड़ा बहुत शुरू हो जाए, ये स्थिति कह सकते हैं। वाणी पर जो वाणी कड़वी कह सकते थे, थोड़ा कठोर कह सकते थे, या वाणी मतलब एक अच्छी वाणी नहीं थी, वहाँ पे कड़वाहट थी, या वाणी से संबंधित जो दोष उत्पन्न आपके जीवन में हो रहा था, शुक्र का प्रभाव आपकी वाणी में भी मधुरता लेकर आने वाला है। आपकी वाणी मधुर हो जाएगी और यहाँ पर हो सकता है आपका जो है संगीत की तरफ जो है गायकी में जो है आपकी रुचि बढ़ने लगे, ये स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शुक्र का द्वितीय भाव पर प्रभाव आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत जो है नए नए स्वादिष्ट व्यंजकों का भोग करने का आपका मन जो है करने लगेगा, ये स्थिति कह सकते हैं। फास्ट फूड खाने का मन करने लगेगा या फिर जो है आप जो है मतलब हो सकता है कि ड्रिंक वगैरह जो है ये मतलब शराब वगैरह जो है ये भी आपका मन करे, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं। इसका भी शौक की तरह से, क्योंकि शुक्र की प्रवृत्ति जो होती है शोक वाली प्रवृत्ति होती है, हो सकता है आप पार्टी वगैरह या फिर कोई ऐसी खुशी आए जिसके कारण आप शोक में ये सब कार्य करें, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखें हम यहाँ पर बात करते हैं, साथ ही शुक्र की सातवीं दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, अष्टम भाव को, जहाँ पर राहु भी बैठे हुए, राहु पर एक तो नियंत्रण लगाएंगे, साथ ही साथ आकस्मिक रूप से धन लाभ की बात करें इस प्रभाव को भी बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आपको जो है व्हीकल चलाते वक्त सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हम सूर्य बुध मंगल के प्रभाव को भी जो कि द्वादश भाव में है उसको भी देखने वाले हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जैसे कि लग्नेश धन भाव में जा रहे हैं तो धन योग तो बनता ही है कि धन की स्थिति बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन इस माह में आपका खर्चा अभी भी कम नहीं होने वाला है। ये बेशक आपका प्रयास खर्चे को लेकर रहे, धन को संचित करने के लिए आपका पूर्ण प्रयास रहे, लेकिन धन जो है व्यय होता हुआ अधिक दिखाई दे ही रहा है। कब तक दिखाई दे रहा है इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं, तो सूर्य लाभ भाव के स्वामी होकर जो कि आय भाव एकादश भाव है, इस भाव के स्वामी होकर सूर्य 17 अक्टूबर तक व्यय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे।
अब यहाँ पर फायदा इस तरीके से आप ले सकते हैं कि आपके आय का जो संबंध है वैसे विदेश के भाव से जा रहा है, आप हो सकता है कि अपना जो इनकम आपने ग्रहण मतलब इनकम आपने गेन करी है उसको आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जो है व्यापारिक रूप से संबंध आपका फॉरन से है, जन्म स्थान से दूर विदेशों से या प्रदेश से जिसे कह सकते हैं, तो वहाँ से अगर आपका संबंध है तो अगर आप अपनी आय को उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको आगे चलकर उसका लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा आपका जो पैसा है वो व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी भी तरीके से जो है व्यय हो जाए लेकिन यहाँ पर जो है व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पर सूर्य की का प्रभाव जब 12वें घर के अंतर्गत यहाँ रहेगा आय भाव के स्वामी बनकर, तो हो सकता है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की हानि हो जाए या सरकारी काम से संबंधित आपको परेशानी उठानी पड़े। तो इस समय के अंतर्गत थोड़ा किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क जो है वहाँ पर थोड़ा सा आप जो है मतलब रुकेगा, जो है संभल कर चलेगा और वहाँ पर सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। उन कार्यों में जो है किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ सकती, हो सकता है अभी तक कार्य सही तरीके से चल रहा हो अचानक से ही उस काम में जो है समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाए, तो ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। पिता को लेकर भी आपको थोड़ा चिंतित रहना पड़ सकता है, पिता के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, पिता को लेकर पिता के साथ मतभेद की स्थिति आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत हो सकती है, किसी प्रकार के सरकारी काम में अड़चने आ सकती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए सूर्य की हम बात करते हैं, तो सूर्य 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का संबंध लगन से हो जाएगा, सूर्य का संबंध लगन से हो जाएगा, तो अब ये लाभ भाव के स्वामी का संबंध आपसे हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आय की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए क्योंकि मंगल का भी प्रभाव जो है 22 अक्टूबर तक मंगल का भी प्रभाव कन्या राशि के अंतर्गत है जो कि आपके धन संचय भाव के भी स्वामी हैं, तो कह सकते हैं इस माह के अंतर्गत भी 17 अक्टूबर तक तो आपका ज़्यादा रहेगा प्रभाव, मतलब आपका व्यय जो है खर्चा जो है 17 अक्टूबर तक ज़्यादा रहेगा, 22 अक्टूबर के बाद जो है फिर आपको शांति मिलती हुई दिखाई देगी इस खर्चे से, और 17 के बाद भी थोड़ा शांति मिलेगी लेकिन 22 के बाद पूर्ण रूप से शांति आपको मिलती हुई दिखाई देगी कि आप अपने खर्चे से खर्चे को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन इस माह आपका खर्चा काफ़ी अधिक रहने वाला है और आपका प्रयास इस खर्चे को लेकर जारी रहेगा। इसी के साथ देखिए सूर्य लगन के अंतर्गत आकर तुला राशि में निचस्त अवस्था में हो जाएंगे, शनि से भी दृष्ट रहेंगे, तो थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव ये है कि आपके स्वतंत्र विचारधारा को प्रभावित करने वाला है कि आपका मन जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह आपकी बढ़ने वाली रहेगी, आप ये चाहेंगे जो मैं कहूँ उसको सब लोग माने, मतलब ऑर्डर देना आप चाहेंगे और उन ऑर्डर्स को जो है सामने वाले को मतलब सुनना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर आप जो है क्रोधित हो सकेंगे क्योंकि आपका क्रोध भी बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये 17 अक्टूबर के बाद की बात है और आपके जीवन में मान सम्मान की चाह जो है ये इच्छा जो है स्वतंत्र विचारधारा अहंकार जैसी स्थिति आपके जीवन में बढ़ती दिखाई देगी, साथ ही साथ कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल आत्मविश्वास भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो स्वाभिमान जो कि अहंकार इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर चलना है, अन्यथा आपके संबंधों में बाधा उत्पन्न संबंधों में समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, ये स्थिति यहां पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए मंगल का जो प्रभाव है 22 अक्टूबर तक मंगल कन्या राशि के अंतर्गत रहेंगे। देखिए मंगल यहां पर धन संचय भाव द्वितीय भाव के स्वामी हैं, इनका संबंध 12वें घर से बना है, व्यय भाव से बना है। मंगल जैसे और सूर्य जैसे ऊर्जा कारक ग्रह जो हैं, ऊर्जा पराक्रम की बात करें, इनका व्यय भाव से संबंध, और वहाँ पे बुध भी है, तो ये बात है कि बोलने का बहुत काम होगा और आपकी ऊर्जा का बहुत अधिक व्यय होने वाला है इस माह के अंतर्गत, और खास तौर पे 17 अक्टूबर तक ज़्यादा और उसके बाद फिर 22 अक्टूबर तक, मतलब ये प्रभाव दिखाई देता है कि आपका ऊर्जा आपकी ऊर्जा का बहुत अधिक व्यय हो रहा है। अब हो सकता है उस ऊर्जा का उपयोग आप अगर आप गलत कार्य के लिए करते हैं, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति को करने के लिए करते हैं, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही उपयोग आप अपने कर्म क्षेत्र प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत अगर आप करते हैं तो उसका आगे चलकर आपको जो है लाभ देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है कि इस माह के अंतर्गत किसी से झगड़े गए नहीं, अन्यथा यहाँ पर लड़ाई झगड़े जैसी भी स्थिति आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देती है। और कुछ व्यक्तियों के केस में यहाँ पर ये भी हो सकता है कि क्योंकि देखिए मंगल धन संचय भाव के स्वामी, कुटुंब का संबंध है, कुटुंब का व्यय भाव, कुटुंब को लेकर परिवार को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है, परिवार को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है, अपनी वाणी अपने मुख हो सकता है, दांतों से संबंधित आपकी समस्या हो उसको लेकर आपका धन खर्च हो सकता है, आंखों से संबंधित समस्या हो उसका उसको लेकर आपका धन खर्च हो सकता है, ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए सप्तमेश भी क्योंकि मंगल बनकर 12वें घर से संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपसे दूर भागता हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है वो विदेशों से संबंध उसका हो, वो विदेश जा सकता है, वो जन्म स्थान से दूर जा सकता है, मतलब या फिर वो जहाँ पर है वहाँ से दूर उसकी यात्रा हो सकती है, उसकी तीर्थ यात्रा हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके से काम से जो है व्यक्ति दूर जाता हुआ दिखाई देता है। और किसी किसी केस के अंतर्गत जो व्यक्ति की जन्म
कुंडली के अंतर्गत दिक्कतें हैं तो हो सकता है लाइफ पार्टनर सेपरेशन जैसी स्थिति के कारण दूर जा रहा हो, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं, और कोर्ट केस के लिए दूर जा रहा हो ये भी स्थिति बन सकती है, यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए मंगल जो है ऊर्जा पराक्रम के ग्रह हैं तो पराक्रम का व्यय कराएंगे, अत्यधिक रूप से आपका क्रोध भी कर सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से आप किसी ऐसे कठिन कार्य को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रूप से अगर आप देखें तो ये भी पता लगता है कि इस माह के अंतर्गत आप उन कार्य को करेंगे जिसमें काफी हद तक जो है मेहनत लगती है, काफी शारीरिक बल लगता है, उस तरीके की भी चीजों को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वे कार्य भी आप करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं मंगल अपनी चौथी दृष्टि जो होगी तृतीय भाव पर डालेंगे, तो देखिए पराक्रम भाव पर डालेंगे, पराक्रम के कारक हैं, पराक्रम की वृद्धि तो करेंगे करेंगे, छोटे भाई बहन आस पड़ोस के लोगों के साथ आपके मतभेद करा देंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही मंगल सातवीं दृष्टि जो कि सिक्स हाउस पर डालेंगे, षष्ठम भाव पर डालेंगे, तो देखिए शत्रुता बढ़ाइएगा मत जो है, और ऋण लेने से बचेगा क्योंकि ऋण की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही मंगल आठवीं दृष्टि जो कि सप्तम भाव पर डालेंगे, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े से आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, और ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही मंगल 22 अक्टूबर के बाद तुला राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए अब मंगल भी सूर्य और मंगल दोनों लगन पर आ रहे हैं तो आपके दिमाग पर जो है गुस्सा बहुत अधिक बढ़ सकता है, ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ सकती है, तो चंदन का तिलक जरूर लगाइएगा, सरदर्द की शिकायत रह सकती है, और आपके अंदर अहंकार गुस्सा बहुत मतलब ये सब चीज़ें जो हैं मतलब काफ़ी अधिक बढ़ सकती है। हो सकता है आप किसी कार्य को कर रहे हैं वहाँ पर आपको सफलता न मिल पा रही हो, तो एक चिड़चिड़ापन यहाँ पर आ सकता है आपके जीवन में, मतलब ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती हुई दिखाई देती है, क्योंकि शनि भी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मन में भी कह सकते हैं थोड़ा दुख की स्थिति कह सकते हैं, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रहेगी जिनकी कुंडली में थोड़ा बैड कॉम्बिनेशन होंगे वहाँ पर, और दशा अच्छी ना चल रही हो, तो स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। अन्यथा सूर्य और मंगल का प्रभाव आप में ऊर्जा इतनी अधिक भर देगा कि आप कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ना कर सके, शारीरिक रूप से आप इतने मतलब सबल हो जाएंगे, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि यह स्थिति यहां पर पता लगती है। लेकिन अपने क्रोध को वश में रखिएगा, अन्यथा यहां पर दाम्पत्य बिगड़ सकता है, वैवाहिक जीवन बिगड़ सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो है संबंध बिगड़ सकते हैं, व्यापारिक रूप से भी आपको थोड़ा समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है, यह स्थिति यहां पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं, और जब मंगल का प्रभाव देखिए सूर्य और मंगल जैसे ही लगन में आते हैं मतलब 17 अक्टूबर के बाद और 22 अक्टूबर के बाद, तो देखिए ये धन भाव के स्वामी बनकर आए हैं लगन में और ये आय भाव के स्वामी बनकर आए हैं, तो ये कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर के बाद से धन जो व्यय हो रहा था उसके बाद आना भी काफ़ी अधिक शुरू हो जाएगा। व्यय तो है ही आपका 22 अक्टूबर तक, लेकिन कहीं ना कहीं माह में आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा बहुत अधिक धन भी आपके पास आने वाला है, क्योंकि ये एक राजयोग कारक महाधनी योग जो बनते हैं उस जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद सूर्य लगन में आ जाएंगे और फिर मंगल जो होंगे वो 22 अक्टूबर के बाद आ जाएंगे। कुल मिला के 22 अक्टूबर के बाद से जो बाद के दिन रहेंगे वहां पर आय की काफी अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और जो खर्च है उसको काफी नियंत्रण आप कर पाएंगे उस समय तक जो है, ये हम यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए बात करते हैं बुध की, तो बुध यहां पर भाग्य भाव के स्वामी हैं, द्वादशेश भी हैं, व्ययेश भी हैं और व्यय भाव से संबंध बना रहे हैं। इस माह के अंतर्गत भाग्य भाव का स्वामी वेदेश के भाव व्यय भाव में जा रहा है, तो अगर आप विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपको भाग्योन्नति, आपका भाग्य जो है साथ देगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर इस माह के अंतर्गत जो व्यक्ति कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि भाई वे विदेश जाना चाहते हैं या लंबी यात्रा करना चाहते हैं या धार्मिक रूप से तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, इस माह के अंतर्गत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हायर एजुकेशन के लिए विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं, तो इस माह के अंतर्गत ये सारे योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। साथ ही वाणी का बहुत अधिक उपयोग रहेगा, अगर आप कार्य क्षेत्र में के अंतर्गत तो वाणी का काफी अधिक उपयोग रहने वाला है। साथ ही आपकी वाणी में सूर्य और मंगल का भी कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, तो जिसके कारण यहां पर कह सकते हैं थोड़ा सा आप कड़वा बोल सकते हैं, थोड़ा सा आप अहंकार वश बोल सकते हैं, तो उसको आपको ध्यान देने की प्रबल आवश्यकता यहां पर रहने वाली है, यह स्थिति यहां पर पता लगती है। खर्चा आपका बढ़ेगा जो कि हमने बताया ही है यहां पर, और पिता को लेकर थोड़ी समस्या बन सकती है, तो पिता को लेकर यहाँ पर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, तो यहाँ पर उनका ध्यान रखने की आपको काफ़ी अधिक आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं शनि और गुरु का जो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और राहु
जो कि अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर सावधान रहेगा। वैसे तो गुरु अब 18 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, पांचवी दृष्टि जो कि राहु पर डाल रहे हैं वो इस पर नियंत्रण लगाए रखेंगे, किसी भी तरीके से अहित होने पे आपका जो है नियंत्रण रहेगा यहाँ पर गुरु का जो है। अब देखिए गुरु और शनि का जो मार्गी होना, ये देखिए मन, क्योंकि चतुर्थ भाव मन है या भूमि भवन वाहन है माता है, तो माता की स्थिति अगर बिगड़ी हुई थी, माता के स्वास्थ्य में संबंधित परेशानी थी, संबंधों में समस्या आ रही थी वहाँ पे, या कहीं ना कहीं दुख का संबंध आपके मन से था, तो वहाँ पे शांति होती हुई धीरे धीरे इस माह के अंतर्गत आपको दिखेगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और इस माह के एंड तक जो है जाते जाते 22 अक्टूबर के बाद से आपके खर्चों में भी विराम आता हुआ, मतलब वहां पर भी नियंत्रण लगता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहां पर पता लगती है। और भूमि भवन वाहन सुखों में भी आपके वृद्धि, या सुख किसी भी तरीके के सुख की अगर हम बात करें तो उनमें भी वृद्धि होती हुई आपकी जो है दिखाई देती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ देखिए बात करते हैं शुभ दिनों की, 1 से 2, 2 से 5, 15 से 17, 20 से 22, 25 से 27, 27 से 30 का दिन आपके लिए शुभ दिन है। अब इन दिनों के अंतर्गत अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अशुभ दिन जो है 5 से 7, 17 से 20, 22 से 25 रहेंगे, जहां पर आपको मानसिक तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपका किसी से खर्चा हो सकता है, रोग लग सकता है, ये स्थिति यहां पर पता लगती है। तो थोड़ा सा यहां पर संभल कर चलने की इन दिनों के अंतर्गत आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को इन दिनों में अशुभ दिनों के अंतर्गत ना ही करें तो अच्छा रहेगा। यात्रा के योगों की बात करें, अनएक्सपेक्टेड रूप से ट्रेवल हो सकते हैं 17 से 20, 22 से 25, अकस्मात रूप से अचानक से एकदम यात्रा के योग बन सकते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअली अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक रूप से तीर्थ यात्रा वगैरह वो बनती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पे बहुत अधिक संभावना रहेगी कि 25 से 27 का दिन कहीं ना कहीं आप जो है मंदिर वगैरह जाते हुए दिखाई देंगे, किसी दूर देश के भी दूर प्रदेश में भी आप जा सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर लग सकती है। और मनोरंजन के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो 20 से 22 का दिन शुभ रहेगा, और हॉस्पिटल से संबंध आ सकता है 5 से 7 का दिन रहेगा, और हार्डवर्क के साथ एक यात्रा 11 से 13 का दिन यहाँ पर रहने वाला है। आश्विन माह की बात करें तो 20 अक्टूबर तक रहेगा, इसके बाद कार्तिक माह 21 अक्टूबर से चालू हो जाएगा, और इस महीने अमावस्या जो कि पितृ अमावस्या है जो कि 6 तारीख की रहेगी, टाइमिंग आप यहां पर देख सकते हैं, नवरात्रि 7 अक्टूबर से आरंभ हो जाएंगे, दुर्गा अष्टमी की बात करें 13 अक्टूबर, और दुर्गा नवमी 14 अक्टूबर की रहेगी, और विजयदशमी दशहरा जो कि 15 अक्टूबर 2021 का रहेगा। शरद पूर्णिमा की हम बात करते हैं तो शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर 2021 की रहेगी, और देखिए यहां पर शरद पूर्णिमा के रात्रि को अगर आप जो है लक्ष्मी आराधना करें बहुत अच्छा रहता है, और लक्ष्मी आराधना करनी चाहिए, साथ ही चंद्रमा की रोशनी को भी ग्रहण करना चाहिए, और उस रोशनी के अंतर्गत खीर बनाकर भी अगले दिन खानी चाहिए, उस रोशनी के अंतर्गत रखकर, जिससे आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा, और अगर आपका चंद्रमा मजबूत होता है तो आपका कर्म क्षेत्र भी मजबूत होगा। ये कार्य करके अवश्य देखिएगा, 20 अक्टूबर का जो रात्रि रहेगी शरद पूर्णिमा के दिन जो है ये चंद्रमा की रोशनी का जो ये ग्रहण अवश्य करेगा, साथ ही लक्ष्मी आराधना जो है वैसे इस रात्रि जागरण करना चाहिए, लक्ष्मी आराधना करनी चाहिए, जिससे अगर आप ये कार्य करते हैं और खीर बनाकर खाते हैं तो आपका जो चंद्रमा रहेगा ये बलि होगा, जिसके कारण आपका कर्म क्षेत्र भी बलवान होता हुआ दिखाई देगा, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। करवा चौथ की बात करें तो 24 अक्टूबर 2021 की रहेगी, होई अष्टमी 28 अक्टूबर 2021 की होगी। इसी के साथ उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना चाहिए, सूर्यदेव को नित्य जल देना चाहिए, शुक्रवार के दिन श्री सुक्त का पाठ संध्या के समय करें, या फिर प्रतिदिन भी आप संध्या के समय कर सकते हैं, श्री सुक्त का पाठ करिए, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाइएगा, चंदन का तिलक माथे पर इस माह के अंतर्गत अवश्य लगाइएगा, शिवलिंग पर जल और चंदन का तिलक माथे पर अवश्य लगाइएगा, साथ ही अमावस्या को जो है नारियल सिरपे से 7 बार वार कर आप उसको जल प्रवाह करिएगा। ये राहु के से संबंधित उपाय है जो आपको अकस्मात रूप से आने वाली अड़चनों परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा, साथ ही आपके ससुराल वालों से जो संबंध है उसमें भी सुधार लेकर आएगा, वाणी जो आपके जीवन साथी की वाणी है जो दूषित अगर है तो वहां पर भी आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो इन उपायों को करके आप अपने इस माह को शुभ बना सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।